नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट्स के एक और पावर पैक वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आईटी सेक्टर की दो दिग्गज कंपनीज टीसीएस और इन्फोसिस के जो है फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स निकल के आए हैं और दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स ने जो है मार्केट को डिसपॉइंट किया है। जिस तरीके से आईटी सेक्टर की दोनों दिग्गज कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स निकल के आए हैं और ये रिजल्ट्स पुअर निकल के आए हैं, इन कारणों से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इन कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टेड हैं और साथ ही साथ आईटी सेक्टर की कई और दिग्गज कंपनीज जो हैं उनमें भी इन्वेस्टेड हैं और अब उनके मन में यही प्रश्न चल रहे हैं कि भाई आईटी सेक्टर का क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और साथ ही साथ उनको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या उसको रिवाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। तो आईटी सेक्टर का आगे क्या आउटलुक है और ये जो रिजल्ट्स नेगेटिव निकल के आए ये शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है या इनके कुछ मूलभूत कारण है, इनकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। और सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पावर ऑफ मार्केट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल पावर ऑफ मार्केट्स को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टीसीएस और इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी पुअर निकल के आए हैं और जिस तरीके से चाहे हम नेट रेवेन्यू की बात करें, चाहे हम नेट प्रॉफिट की बात करें, सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करें, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ग्रोथ की बात करें, जिस तरीके से नंबर्स निकल के आए हैं उसके मेजर जो कारण है दोस्तों, उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी से है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार वॉर चल रहा है, जिस तरीके से रशिया और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, ताइवान को लेकर भी अमेरिका और चाइना के बीच में जो लगातार टेंशन बना हुआ है, तो ये सारे ग्लोबल अनसर्टेन फैक्टर्स हैं जिसके कारण बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स की कंपनीज हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, खासकर यूएस और यूके मार्केट में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो एक प्रमुख कारण है। दूसरी बात यह कि अगर टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स को हम बारीकी से देखें तो हमें पता चलता है कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चाहे हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY22 का जो लास्ट क्वार्टर था उससे अगर कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ज्यादा निराशा देखने को नहीं मिलती, पर्टिकुलरली टीसीएस के नंबर में। पर अगर हम सिक्वेंशियल ग्रोथ देखते हैं, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होती है, जो पिछले क्वार्टर से जो थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 का है उसके कंपैरिजन में अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखते हैं तो निराशा हाथ लगती है, खासकर इन्फोसिस के रिजल्ट्स में और ज्यादा निराशा देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है सिक्वेंशियल ग्रोथ का, ये बताता है कि आने वाले हो सकता है अगले 2 से 3 क्वार्टर में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों, टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स में जिस तरीके से एट्रिशन की बात चल रही है, लगातार आईटी सेक्टर की कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है जिसके अंतर्गत लगातार एट्रिशन के कारण जो उनका एक्सपीरियंस बेंच स्ट्रेंथ है उसमें कमी देखने को मिली है। नए बच्चों को लगातार लेकर उनको ट्रेंड करना है जिससे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ती है कंपनीज की। इसके अलावा दोस्तों, इन्फोसिस के जैसे रिजल्ट्स निकल के आए उसके बाद अमेरिका में जो इन्फोसिस का ADR जो लिस्टेड होता है, जिसको ADR को हम अमेरिकन डिपॉजिट रिसीप्ट बोलते हैं, उसमें 10% की गिरावट देखने को मिली है और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में NSE में भी 3-3.5% की इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिली है। और अब ये इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर इन्फोसिस के शेयर में 4-5% का आपको मेजर करेक्शन देखने को मिले। और साथ ही साथ अदर जो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनीज हैं उनके अंतर्गत भी जो है गिरावट देखने को मिलती सकती है। और अगर इस तरीके से पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट होगी तो फिर निफ्टी के अंदर भी एक करेक्शन देखने को या हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट आप मंडे के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अमेरिका और यूरोपियन मार्केट में जिस तरीके से रिसेशन की खबरें आ रही हैं और आईटी सेक्टर को हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर का मेजर रेवेन्यू जो है वो यूएस मार्केट से आता है या यूरोपियन मार्केट से आता है, करीब 50-60% टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज के जो रेवेन्यू है वो यूएस मार्केट से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यूएस मार्केट में और यूके मार्केट में भविष्य में रिसेशन की बात चल रही है और जिस तरीके से अमेरिका की कई दिग्गज कंपनीज लगातार ले ऑफ कर रही हैं, गूगल में भी ले ऑफ की बात चल रही है, तो ये बताता है कि अगर ये इसी तरीके से जॉब मार्केट की कंडीशन यूएस में अच्छी नहीं होती है और ये जो वॉर चल रहा है अगर ये खत्म नहीं होता और जिस तरीके से क्रूड ऑयल को लेकर लगातार जो है प्रोडक्शन कट की बात चल रही है और अमेरिका में अगर इकोनॉमिकल रिवाइवल नहीं होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कई क्वार्टर तक आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनीज में करेक्शन जो है कंटिन्यू रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका में और यूके में जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, खासकर जो बैंकिंग क्राइसिस अमेरिका में चल रहा है, चाहे सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें या जिस तरीके से स्विट्जरलैंड में जो है टेक ओवर हुआ क्रेडिट स्विस बैंक का
और अभी अमेरिका के जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे, उनका भी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था जहां बात ये निकल के आ रही है कि ये बैंकिंग क्राइसिस जो अमेरिका के बैंकों के ऊपर है ये आगे और बढ़ सकता है। कई और दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जो लगातार इस तरीके की जो है उनको एक्सपेक्टेशन लग रही है कि अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस बढ़ सकता है। और बैंकिंग में अगर क्राइसिस आता है दोस्तों तो उसका असर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी पड़ सकता है। और किसी भी देश की इकोनॉमी में वहां के बैंकिंग सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो अमेरिका के अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर मेंटेन रहता है, वहां की इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर मेंटेन रहता है, तो भारत के ऊपर भी उसका असर होगा, क्योंकि हम ग्लोबली जो है एक कोरिलेटेड इंटीग्रेटेड जो है इकोनॉमी के अंतर्गत ऑपरेट होते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई आईटी सेक्टर में जो आगे दिग्गज कंपनीज है, चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें, विप्रो की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, साइन टेक्नोलॉजीज की बात करें, और भी कई दिग्गज कंपनीज है आईटी सेक्टर की, इन कंपनीज से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और इन कंपनीज में जो इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्टेड है उनकी क्या रणनीति होना चाहिए, और साथ ही साथ जो नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में भी आपको आईटी सेक्टर की कई कंपनीज में जो है एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब इन दो दिग्गज कंपनीज में प्रेशर देखने को मिला है, कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी पर्टिकुलर क्लाइंट ऑर्डर के कारण कुछ सरप्राइज कर जाए कुछ नंबर्स में वो अलग बात है, पर मेजॉरिटी ऑफ आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। और ये प्रेशर करीब करीब पिछले 1.5 साल से हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं, हो सकता है ये अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर और आगे कंटिन्यू करे, और जिस तरीके से ग्लोबल जो कंडीशन से शेप अप होंगी, तो इन कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर लॉन्ग टर्म का उनका नजरिया है, अगर आप अगले 3 से 5 साल तक आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी आप इस करेक्शन को देख सकते हैं, क्योंकि कई बार अच्छी कंपनीज करेक्शन के दौर में आपको सही फेयर प्राइस पे मिलती हैं, तो आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जहां तक उन इन्वेस्टर्स की बात करें जो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए जो है आईटी सेक्टर को खेलना चाहते हैं, उनको मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है पेयर आउट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो जिस तरीके से मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे बेसिक फैक्टर्स होते हैं, सिक्वेंशियल ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, नेट सेल्स की बात करें, जब इनमें आपको लगातार करेक्शन देखने को मिला और किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी आपको अगर टॉप ब्लू चिप कंपनीज से नहीं देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और हम लोगों का भी यही मानना है कि आने वाले दिनों में आपको कम से कम 6 महीने साल भर इंतजार करना चाहिए, अगले 2-3 क्वार्टर किस तरीके से आईटी सेक्टर की कंपनीज की अर्निंग्स आती है, किस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स जो है शेप अप होते हैं, इन सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करने के बाद ही आपको उसको व्यू बनाना चाहिए। पर वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर के अंदर या तो प्रेशर रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ पुल बैक बाउंस आ सकते हैं, पर कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है। ये हमारा ओपिनियन इस वीडियो को लेकर। आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल का काम पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।